हाय गाइस, आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर विद 400 MCQs ऑफ लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 192 अप टू पार्ट 8। दिस इज पार्ट 9। डियर फ्रेंड्स, दीज क्वेश्चन आर वेरी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यदि आप भी इसी प्रकार के क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193। वेयर डिड द प्री रेफलेट एम एट? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द प्री रेफलेट एम एट? ऑप्शन ए शोइंग इंटरेस्ट इन मेडिवलिज्म, ऑप्शन बी पिक्टोरियल रियलिज्म इन द मेडिवलिज्म, ऑप्शन सी यूनियन ऑफ द फ्लैश एंड द स्प्रिट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 194। हु प्रोनाउंस्ड ड्राइडन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म? हु प्रोनाउंस्ड ड्राइडन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म? ऑप्शन ए पोप, ऑप्शन बी T.S. एलियट, ऑप्शन सी मैथ्यू अर्नॉल्ड एंड ऑप्शन डी डॉक्टर जॉनसन। सो द करेक्ट आंसर इज T.S. एलियट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 195। Who called the romantic movement which dominated English literature more completely than classicism as liberalism in literature? Option A Victor Hugo, option B David Hume, option C Edward Burke and option D Johnson. So the correct answer is option A Victor Hugo is the correct answer. Now question number 196. According to Dryden, comedy begets option A critical pleasure, option B divine pleasure, option C malicious pleasure and option D irresistible pleasure. The correct answer is option C malicious pleasure, option C is the correct answer. Now question number 197. Which of the following work is not by Dr. Johnson? Which of the following work is not by Dr. Johnson? Option A Rasselas, option B Preface to Shakespeare, option D Life of Cowley and option D none of the above. So all these were written by Dr. Johnson, so none of the above, option D is the correct answer. Now question number 198. Which kind of poetry was considered unsatisfactory by Johnson? Which kind of poetry was considered unsatisfactory by Johnson? Option A didactic, option B sentimental, option C secular, option D devotional. So the correct answer is devotional, option D is the correct answer. Now question number 199. Johnson said that sublimity was not within the reach of metaphysical poets, for great thoughts are always option A divine, option B particular, option C general and option D serious. So the correct answer is general, option C is the correct answer. Now question number 200. Johnson didn't like Milton's Samson Agonistes on the Aristotelian ground because option A it had a beginning and a middle but no end, option B it had a beginning and an end but no middle, option C it had a middle and end but no beginning and option D none of the above. So the correct answer of this one is option A. The correct answer is option B.
इट हैड अ बिगनिंग एंड एंड बट नो मिडिल। इसमें जो है वो बिगनिंग है, एंड है, लेकिन मिडिल नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 201, व्हाट डिड डॉक्टर जॉनसन थिंक अबाउट जनरल ओपिनियन और कॉमन वॉइस। ऑप्शन ए दैट इट वाज यूजुअली रॉन्ग, ऑप्शन बी दैट इट वाज यूजुअली राइट, ऑप्शन सी दैट इट वाज ऑलवेज एट द बॉर्डर दैट सेपरेट राइट फ्रॉम रॉन्ग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव, सो द करेक्ट आंसर इज इट वाज यूजुअली राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 202, जॉन लॉक के द फेमस इंग्लिश रेशनिस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटर ऑफ डिस्कोर्स डीला मेथोड, हु वाज ही। ऑप्शन ए रेने डेस्कार्टे, ऑप्शन बी जैक्स डेरिडा, ऑप्शन सी रेनॉल्ड्स एंड ऑप्शन डी हेनरी स्विफ्ट। सो द करेक्ट आंसर इज रेने डेस्कार्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 203, हु रोट एल इनसाइक्लोपीडिया। ऑप्शन ए रेने डिस्कार्ट, ऑप्शन बी ग्रैनबाइल, ऑप्शन सी जैक्स डेरिडा एंड ऑप्शन डी डिडोरेट। सो ऑप्शन डी डेनिस डिडोरेट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 204, ड्राइडन्स थ्योरी ऑफ सेटायर अपियर्ड इन द लॉन्ग एसे द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ सेटायर 1693 ऑक्सफोर्ड टू हिज ट्रांसलेशन ऑफ। ऑप्शन ए होरेस, ऑप्शन बी जुवेनल, ऑप्शन सी परसियस एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। द करेक्ट आंसर बोथ बी एंड सी, यानी होरेस एंड जुवेनल। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, दीज क्वेश्चंस आर वेरी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो लिसन एज मच एज यू कैन। नाउ क्वेश्चन नंबर 205, हु रोट द रेप ऑफ क्लैरिसा एंड वाल्टर बेंजामिन। हु रोट द रेप ऑफ क्लैरिसा एंड वाल्टर बेंजामिन। ऑप्शन ए हेनरी हैबेलॉक्स इलिस, ऑप्शन बी टेरी इगल्टन, ऑप्शन सी सिसरो एंड ऑप्शन डी अगस्टाइन। सो द करेक्ट आंसर इज टेरी इगल्टन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 206, एम्पीडोकल्स फिफ्थ सेंचुरी बीसी वॉज ए फिलोसफर एंड स्टेटमेंट ऑफ द ग्रीक कॉलोनी इन। ऑप्शन ए फ्लोरेंस, ऑप्शन बी वेनिक, ऑप्शन सी सिसिली एंड ऑप्शन डी एटेना। सो द करेक्ट आंसर इज सिसिली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 207, हु ओपाइंड दैट इट इज एग्जैक्टली एज बेस्टफुल फॉर अ पोएट to do what has been done already, as for a biologist to rediscover Mendel's discovery. Option A W H Auden, option B Edison, option C W B Yeats and option D T S Eliot. The correct answer is T S Eliot, option D is the correct answer. Now question number 208, who is known to have declared himself that he was a royalist in politics, an Anglo-Catholic in religion and classist in literature. Option A Byron, option B T.S. Eliot, option C Thomas Hardy and option D Wordsworth. So option B T.S. Eliot is the correct answer. Now question number 209, which work of Eva Fies is self-reflexive about the nature of creativity and the relation of reality and fiction. Option A B, option B Knock Landing, option C Barking, option D Yukio Knox. So option B, option A B is the correct answer. Now question number 210, who founded the trans
एटलांटिक रिव्यू एंड वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट. ऑप्शन बी एच जी वेल्स, ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी मैडॉक्स फोर्ड एंड ऑप्शन डी हेनरी जेम्स. हेनरी जेम्स. सो द करेक्ट आंसर इज मैडॉक्स फोर्ड. मैडॉक्स फोर्ड यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 211. नेम द कलेक्शन ऑफ एसेज बाय माइकल फुकॉल्ट वेयर इन ही साउट टू क्लेरिफाई स्पेसिफिक एरियाज ऑफ अपोजिशन थ्रू विच डिस्कोर्स इज कंस्ट्रक्टेड. ऑप्शन ए द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ऑप्शन बी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी द आर्क्योलॉजी ऑफ नॉलेज, ऑप्शन डी लैंग्वेज काउंटर मेमोरी प्रैक्टिस. सो लैंग्वेज काउंटर मेमोरी प्रैक्टिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 212. आइडेंटिफाई जेम्स फ्रेजर बुक ऑन एंशियंट मिथोलॉजी विच हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन टी एस एलियट्स द वेस्टलैंड. ऑप्शन ए टोटेमिज्म, ऑप्शन सी द गोल्डन बाउ, ऑप्शन सी स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ ओरिएंटल रिलीजन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी द गोल्डन बाउ इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 213. हु वॉज द फाउंडर ऑफ द साइको एनालिसिस एंड अ सेमिनल फिगर ऑफ 20th सेंचुरी थॉट. ऑप्शन ए सर जेम्स फ्रेजर, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रीड, ऑप्शन डी डेरिडा एंड ऑप्शन डी टी एस एलियट. सो ऑप्शन ए सर जेम्स फ्रेजर इज द करेक्ट आंसर. डियर फ्रेंड, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पसंद आए तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. हु बिलीव्ड दैट द रिटन टेक्स्ट इज द सॉवरेन एक्सप्रेशन ऑफ इट्स ऑथर हुज मीनिंग मस्ट बी अनकवर्ड बाई क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट. ऑप्शन ए एलन गार्डनर, ऑप्शन बी सीज फ्राइड सेसून, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रीड एंड ऑप्शन डी मैडॉक्स फोर्ड. सो द करेक्ट आंसर इज हेलन गार्डनर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 215. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन ट्रेट ऑफ द जियोर्जियन पोएट्री. ऑप्शन ए एम्फेसिस ऑन क्लेरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी रिजेक्शन ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस गेटी गॉर्जियसनेस एटसेट्रा एम्फेसिस ऑन सुपर नेचुरल एलिमेंट एंड ऑप्शन डी रिजेक्शन ऑफ एन आर्काइक डिक्शन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एम्फेसिस ऑन सुपर नेचुरल एलिमेंट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. डियर फ्रेंड्स, दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पसंद आए होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.